श्रेया, तुम्हारे झूठ की गाड़ी की तो ब्रेक फेल हो गई। अगर शुरू भी हो गई ये गाड़ी तो बेटा इस गाड़ी में तो इस परिवार का तो कोई सदस्य नहीं बैठेगा। दादी, ये सब क्या हो? बस चुप करो श्रेया। क्या कर दिया तुमने? तरस खाऊं या मेरे हिसाब से तुम सबसे ज्यादा बदनसीब लड़की हो दुनिया की, क्योंकि तुम्हें प्यार दिखता ही नहीं है ना समझ आता है। क्या कमी रह गई थी मेरे या मेरे इस परिवार के प्यार में? तुमने जो चाहा उससे ज्यादा ही मिला है, फिर भी ऐसी हैवानियत तो रोता ही तुम। इस दिल में क्या कमी थी? तो मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए किया है। पापा को तो सिर्फ अमर भैया दिखते हैं। मैं चाहती थी तुम इस घर में बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनो, जिसके तुम हकदार हो। तुमसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तुम्हारी जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनना चाहती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ भूषण। तो फिर मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि श्रेया, जो तुम जिसे तुम प्यार समझ रही हो ना, प्यार नहीं है, सेल्फिशनेस है, जिसे हम में से किसी ने ना कभी देखा है ना सीखा है। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए था, और मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। श्रेया, अगर बात सिर्फ मेरी होती ना, सिर्फ मेरी खुशी की बात होती या मेरे प्यार की बात होती, तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर न जाने जाने मैंने कितनी गलतियां की, कितना हर्ट किया अपने परिवार को, पर विश्वास किया था, अंधा विश्वास किया था। तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया, मेरे परिवार को धोखा दिया है। इस सब जानने के बाद अगर मैं तुम्हें यहाँ रहने देता हूँ ना, मुझसे ज्यादा I'm sorry, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं पूछन, नहीं, मुझे अपने आप से दूर मत करो, प्लीज पूछन, प्लीज आई लव यू भूषण। भूषण भूषण, नहीं नहीं भूषण सुनो, भूषण भूषण ऐसा मत करो, भूषण एक बार मेरी बात सुन लो, भूषण प्लीज प्लीज भूषण, आई रियली लव यू भूषण, मत करो प्लीज, नहीं भूषण नहीं प्लीज भूषण नहीं भूषण 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 प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो भूषण, आई रियली लव यू भूषण प्लीज। बहुत देर हो गई श्रेया, मुझे अपने आप से दूर मत करो, दरवाजा खोलो। सबसे मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी वजह से, श्रेया की वजह से सबको कितना दुख, कितनी बदनामी सहनी पड़ी है। गलती मेरी है, सिर्फ माफी मांग सकता हूं मैं आप सबसे। भाई कहलाने के लायक नहीं हूं, भाई अपने छोटे भाई पर शक कर सकता है, उसे दुख दे सकता है?
मैंने वो सब कुछ तेरे साथ किया। फिर भी तो कुछ नहीं बोल, अब कुछ कहता रहा, माफ कर दे यार। मुझे माफी नहीं चाहिए, मेरा हक वापस चाहिए। को भाई कहने का वो वापस दे दो भैया। हमेशा से तुमसे सख्ती से पेश आया, मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक नहीं हो, पर आज तुमने इस घर की, मेरे घर की इज्जत, मेरी प्यारी दादी की रक्षा की है। संजना, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूं, पर थैंक्स, हो सके तो मुझे माफ कर देना। एंड आई एम रियली सॉरी भूषण। मुझे मैं तुमसे थैंक यू कहना चाहता हूं संजना। थैंक्स। संजना रुको, प्लीज मत जाओ। क्यों रुक जाऊं आज, जब मैं इस घर के लायक ही नहीं।
तुम्हारी, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। मेरा कोई कैरेक्टर ही नहीं। वो सब मैं हूँ, मैं गलत हूँ, बुरा हूँ, तुम्हारा गुनहगार, जिसे तुम कभी माफ नहीं करोगे। और क्यों करोगी? मैं होता कौन हूँ तुम पे हाथ उठाने वाला, तुम्हें बुरा भला कहने वाला? जिस लड़की ने मुझे मेरे परिवार से मिला के मेरा सपना पूरा किया, मैं उसे ही नहीं समझ पाया। ऐसा गुस्सा किस काम का? कुछ तो था तेरे मेरे ठीक हूँ। पर मैं ठीक नहीं संजना, मेरा इतना गुरूर कि मैं तुम्हें सॉरी तक नहीं कह पाया। और एक तुम, कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या फील करता हूं? अपनी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं निभा रहा था क्या? दोस्ती है? वाओ। अच्छा, वो बात ये है कि... अच्छा बोल, क्या है? ऐसा क्या है बता? अरे अपनी आंखों से देख रहा हूं ना मैं। और शुक्र है कि तुम दोनों लड़ नहीं रहे हो यार। तुम्हें देख के इतना अच्छा लग रहा है कि तुम फाइनली दोस्त हो गए हो। सब ठीक? बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। तूने देखा
मैंने बोला था ना, संजना इतनी भी बुरी नहीं है, और तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड दुनिया का बेस्ट है, मानती हो कि नहीं? और मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा बेस्ट फ्रेंड फाइनली दोस्त हो गए, और मुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। I missed you a lot. यार क्या हो रहा है? तुम्हारी दोस्ती हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड संजना शर्माने लग गई है। अरे मामा मम्मी कहाँ हैं? भैया भाभी मुझे सबसे मिलना है, चल। क्या खड़ा क्यों है? बोल कुछ। संजना तुम ठीक हो? अरे तुम कर क्या रहे हो? अंगूरी को बुला लो ना। अज्जू दादी कैसे हो आप? ठीक है, खुश रहो। नाराज हो आप? दादी मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। एक आप ही मेरा परिवार हो जिसके भरोसे मैं सब कुछ छोड़ के जा सकता था, पर जैसे ही मुझे पता चला कि अजय और संजना की सच्चाई सबके सामने आ गई है, मैं फौरन सब छोड़ के आ गया दादी। सच्चाई सबके सामने आने से पहले संजना ने तुम्हें बहुत बार कॉल किया था, लेकिन तुमने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया, क्यों? दादी आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं सर से पांव तक जिम्मेदारियों में डूबा हुआ था। डेडलाइंस, वर्क प्रेशर, जिम्मेदारियां पूरे कंपनी की। जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो तुम्हारी संजना भी थी ना दादी। बिल्कुल, और इसीलिए मैं उसे वापस देने आया हूं दादी। मुझे जरा अजय से बात करनी है। अजय? इधर आओ। क्या दादी सॉलिड भड़की हुई है? पर आई होप तुम मेरी मजबूरी समझती हो, राइट? देखो अजय, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी अभी अज्जू को लेकर बाहर चले जाओ। तुम जानते हो ना बेटा, इस घर में श्रेया की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं नहीं चाहती कि ये जो आफत आई है ना, इसकी वजह से घर में कोई और मुसीबत आए। जी दादी। एक मिनट अजय, मैं जानती हूँ दोस्ती की खातिर तुमने बहुत सारी कस्में खाई होगी, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इसमें संजना की मर्जी होना भी बहुत जरूरी है। बेटा वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपने फैसले के बारे में कुछ सोचेगी ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि श्रेया, मेरी श्रेया मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। कितना बड़ा धोखा दिया उसने, और मैं भी उसकी उसकी हर बात मानता चला गया। क्या सोच रहा था? शांत हो जाओ, सुलझ जाएगा सब कुछ। हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ भूषण भैया, इस घर में हमेशा हम एक दूसरे के लिए खड़े रहे, आपके साथ भी। एक भी कॉल का जवाब देना तुमने जरूरी नहीं समझा ना? संजना मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इनफैक्ट मैं मन ही मन में तुम्हें कॉल करता था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है। तो तुम्हारे पास एक मिनट नहीं था मेरे लिए? संजना मैं बिजी था, नई जगह थी, नया सब कुछ नया था। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम मुझे कॉन्टेक्ट नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते। संजना तुम झगड़ क्यों रही हो? ये सब झगड़ क्यों रही हो? मतलब प्री प्लान था सब कुछ। यार तू बहुत दिनों बाद आया, चल कहीं बाहर जाकर आते। तूने ना मेरे दिल की बात छीन ली। मैं जब से घर पे आया हूँ ना, मुझे पेठे खाने की तड़प हो रही है।
चल चलते हैं, चलो। मेरा हाथ छोड़ो अच्छा।